good morning students how are you students as we know that second wave of corona is even more dangerous again school are closed and partial lockdown is implemented students so we need to be more careful apply mask properly and wash your hands regular maintain safe and proper distance विद दिस सिंपल स्टेप वी कैन अगेन गेट कंट्रोल आवर द सिचुएसन तो स्टूडेंट्स आप हमेशा मास्क यूज करेंगे और अपने हैंड्स वॉश जो है ना वो रेगुलर करेंगे डिस्टेंस बनाकर रखेंगे डिस्टेंस मैंटेन रखेंगे और विदाउट रीजन आप घर से बाहर ना निकलें ओके स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स आज जो है ना हम अपना फर्स्ट लेसन कर रहे हैं जो कि uh, uh, हमने जब लास्ट टाइम स्कूल के अंदर हम ये टॉपिक कर रहे थे टॉपिक का नाम था डाइवर्सिटी और इसके अंदर हमने टॉपिक किए थे कि भी जो है ना डायवर्सिटी हमारे रीजन्स के अंदर कैसे है हमारे जो फेस्टिवल है वो किस टाइप के हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा और हमने ये भी जाना कि ये डाइवर्सिटी है उसकी हमें क्यों नीड है तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो जोग्राफिकल फीचर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन्स तो बच्चों आज इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उस रीजन्स के अंदर भी जो है ना हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स भी जो ना काफ़ी ज़्यादा जो ना प्रभावित करते हैं इस चीज़ को द जोग्राफिकल फीचर्स आल्सो प्ले सॉरी वेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन्स द जोग्राफिकल कंडीशन लाइक क्लाइमेट सॉइल एंड लैंडफॉर्म्स डिसाइड द ड्रेसिज फूड हैबिट्स कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल द लैंड एंड द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड एंड साउथर्न इंडिया आर गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी तो बच्चों यहाँ पेडी का मतलब होता है चावल धान जिसको हम बोल देते हैं तो बच्चों यहाँ ये यह कह रहा है कि जो, जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं ना वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइवर्सिटी और रीजनस के ऊपर और जोग्राफिकल जो कंडीशन जो है लाइक like जैसे क्लाइमेट है सोयल है फ़ॉर्म है ये सब डिसाइड करते हैं हमारे ड्रेसिस को हमारे फूड हैबिट्स को हमारे कल्चर को हमारे कस्टम्स को ये सब चीज़ें जो ना हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स जैसे कि जैसे विंटर सीजन आता है तो हम जो ना कॉटन uh, के क्लोथ जो, को जो है ना छोड़ देते हैं और वुलन के जो क्लोथ है वो हम डालने लग जाते हैं और जैसे ही विंटर सीजन जाता है हम अपने जो वुलन के जो क्लोथ्स हैं उनको छोड़ देते हैं और अपने जो कॉटन के जो क्लोथ है वो फिर से डालने लग जाते हैं तो ऐसे जो है हमारे क्लाइमेट जो है ना वो हमारे जो ड्रेसेस हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं उसके बाद कहता है कि जैसे जो हमारे वेस्ट बंगाल है बिहार है झारखंड है साउथर्न इंडिया है वहाँ जो है ना पेड़ी की कल्टिवेशन के लिए जो है ना काफ़ी स्टेबल जो है क्लाइमेट रहता है सो so, उस रीजन के अंदर उस क्षेत्र के अंदर उस एरिया के अंदर जो है वहाँ पेड़ी की कल्टीवेशन अच्छी की जाती है और अगर वहाँ पेड़ी की कल्टीवेशन अच्छी की जा रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि वो वहाँ के जो पीपल हैं उनके लिए वो पेड़ी जो है एक आ, हम कह सकते हैं कि उनके फूड जो है ना वो प्रॉपरली पेड़ी का ही यूज़ करते हैं चावल का ही वो यूज़ करेंगे राइस का ही वो यूज़ करेंगे द लॉन्ग सी ऑफ पेंसुलर इंडिया प्रोवाइड अबडेंट फिश फॉर साउथ इंडियंस कश्मीरीज वर लोंग वुलन परिहस टू कीप थम सेल्फ वार्म इन विंटर पश्मिना साल्स आर आल्सो मेड इन जम्मू एंड कश्मीर द फिशर वुमेन वेयर सारी इन धोती स्टाइल कार्ड लैंग लैंगी धोती दिस हेल्प दैम इन द वर्क दे डू दूस वी सी दैट जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ ए प्लेस हैव ए डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल तो बच्चों यहाँ ये कहता है कि जैसे कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि वो लॉन्ग वुलन के जो है ना परान जो है वो पहनते हैं काफ़ी लंबे होते हैं विंटर सीजन के अंदर और सैमैच जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि वो शॉल जो है ना वो डालते हैं तो काफ़ी फेमस है ये वहाँ पर उसके बाद कहते हैं फिशर जो, जो ना वो जैसे हम साउथ इंडिया के अंदर देखते हैं वहाँ की जो वुमेंस हैं वो साड़ी डालती है जिसको धोती स्टाइल के अंदर वो उनको बांधती हैं तो इस प्रकार ये सब चीज़ें जो हमारे जोग्राफ़िकल कंडीशन जैसी रहेगी हमारे जो फूड हैबिट्स हैं हमारे आ, जो वेयर है ड्रेसेस है हमारे कल्चर है वो सब उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं वो चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टर्स दैट प्रमोट यूनिटी इन इंडिया फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर जोग्राफिकल यूनिटी इंडिया इंस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल क्लाइमेट एंड रीजन् डिफ्रेंसिज इज़ रेगुलरली ए सिंगल जोग्राफिकल यूनिट तो बच्चों यहाँ ये यह कह रहा है कि इंडिया का अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल यूनिट के अंदर तो यहाँ का जो फिजिकल फीचर्स है क्लाइमेट है रीजन्स है इसमें काफ़ी डिफरेंसेज है लेकिन फिर भी जो ना ये एक सिंगल जोग्राफिकल यूनिट के अंदर जो ना ये बंधा हुआ है जैसे कि इंडिया के हम देखते हैं कि नॉर्थन पार्ट के अंदर जो है हिमालय माउंटेन रेंज आ जाती जा जा है फिर जो मिडिल के अंदर जो ना प्लेन एरिया आ जाता जा है साउथ में जो पेन्सुलर प्लेट आ जाता जा है तो ये सब चीज़ें जो है ना हम एक यूनिटी के अंदर जो है ना वो बांध रख रक, बांधे रखती हैं इंडिया एज ए कंट्री सॉरी uh, इंडिया हैज ए कंटिन्यूज हिस्ट्री आवर हिस्ट्री इज़ नॉट द हिस्ट्री ऑफ समाल किंगडम्स बट द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री तो ये हम बात कर रहे हैं कि अपनी हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किंगडम्स रहा है बट यहाँ की हिस्ट्री जो है ना वो पूरी कंट्री को जो है ना वो उसके बारे में बताती हमें। Third point है हमें थर्ड पॉइंट है इट हैज़ पोलिटिकल यूनिटी मैनी ऑफ आवर रूलर्स लाइक अशोका चंदर गुप्ता अलाउद्दीन खलजी एंड मुगल्स मैंटेन कंट्रोल आवर मोस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ डेकन द ब्रिटिश रूलर आवर वूल ऑफ इंडिया तो बच्चों यहाँ पोलिटिकल के अंदर यूनिटी के अंदर भी बात की जा रही है तो यहाँ पर इंडिया के अंदर ना काफ़ी रूलर्स जो ना अपना रूल रोल कर रूल्स करते हैं जिसमें लाइक अशोका है जिसका काफी बड़ा एक एम्पायर था सुमंदर गुप्ता है अलाउद्दीन खलजी है एंड मुगल्स ने भी जो है यहाँ पर काफी अच्छा कंट्रोल रहा है इंडिया के ऊपर जो कि नॉर्थन इंडिया के अंदर जो मोस्टली इसका पार्ट आता है और कुछ पार्ट जो है सम पार्ट ऑफ डेकन भी कुछ पार्ट जो है वो डेकन यानी कि दक्षिण का जो पठार है वो आ जाता है उसके बाद कहता है कि यहाँ ब्रिटिश ने भी जो पूरे इंडिया के ऊपर जो है वो रूल किया था नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीचर सिग्नीफिक सिग्निफिक द यूनिटी ऑफ इंडिया तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारी जो ऐसे कौन से फीचर्स हैं ऐसे कौन से सिंबल्स हैं जो अपने इंडिया को जो है यूनिटी के अंदर जो है वो लेकर आते हैं तो सबसे पहले जो है सिंबल्स के बारे में बात करेंगे हम कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हमारे यूनिटी के अंदर लेकर आते हैं अगर नेशनल एंथम इज़ ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी इट वॉज़ रिटन बाई रविंद्र नाथ टैगोर इट इज़ ए ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया तो सबसे पहले जो नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं ये हमारे जो है एक नेशनल यूनिटी के बारे में बोलता है और इस नेशनल एंथम को जो है न रविंद्राथ टैगोर ने जो है ना वो लिखा था सेकंड है अवर नेशनल सॉन्ग बंदे मातरम वाज रिटन बाय बिंकम चंद्र चटर्जी दूसरा जो है कह रहा है कि जो हमारे राष्ट्र जो सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग जो है वो बंदे मातरम है जिसको बिंकम चंद्र चटर्जी ने जो ना वो लिखा था थर्ड है अवर नेशनल फ्लैग और द ट्री कलर हैज थ्री कलर्स दैट द टॉप डी सेक्रीफाई वाइट इन देंटर स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस एंड ग्रीन एट ग्रीन ऐट द बोटम बोटम फॉर प्रोस्पेरेट्री द चक्रा एडोप्ट फ्राम लाइन कैपिटल एट सारनाथ स्टैंड फॉर धर्मा एथलिक वर्चर तो बच्चों यहाँ पर बात कीजिए तीन जो कलर है उसके अंदर साफरान कलर सबसे ऊपर आ जाता है जिसका जो डोनेट करता है अपने सेक्रीफाइसिस को उसके बाद वाइट्स जो कि सेंटर में आ जाता है यह हमें इसके अंदर देख सकते हैं तीनों कलर जो इसमें दिए गए हैं वाइट जो है डोनेट कर रहा है कि ये हम ट्रुथ और पीस एक सच्चे और शांति में लाइफ के लिए और जो ग्रीन है वो इसको दे रहा है कि जो हम सुख समृद्धि के बारे में यहाँ बता रहे हैं उसके बाद जो धर्म चक्र है हमारा ये इसके बारे में बताया गया है कि जो कि डोप्ट किया गया है लैंड कैपिटल एट सारनाथ से ये अशोक के द्वारा जो वो बनाए गए थे फोर्थ है आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इट कम इन टू फोर्स ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इज ए गवर्नड तो बच्चों यहाँ ये यह कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो छब्बीस जनवरी उन्नीस पचास को जो है ना वो लागू हुआ था और ये पूरे कंट्री के अंदर जो ना गवर्न किया जाता है उसका फिफ्थ पॉइंट है हमारा अवर फ्रीडम स्ट्रगल प्रमोटेड एज स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चंस एंड पीपल ऑफ़ आल कम्युनिटीज वर यूनाइट इन देयर डिसलाइक ऑफ द ब्रिटिश राज तो बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अपनी जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल जब हो रहा था तो उसके अंदर जितने भी जो धर्म के जो लोग थे वो आपस में भाईचारे के साथ मिलकर जो ना उन्होंने जो ब्रिटिश राज था उनको काफ़ी डिसलाइक कर रहे थे उनके अंगेज जो ना उन्होंने फाइट की थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने जो ना इसमें पार्टिसिपेट किया था सिक्स है डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट उत्तर प्रदेश इज द सुगर वोल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र इज इज़ वेल नॉन फॉर इट्स कॉटन एंड वेस्ट बंगल फॉर इट्स जोट झारखंड इज रिच इन मिनरल्स पीपल आर पीपल ऑफ आर रीजन्स डिपेंड ऑन एच अदर तो बच्चों उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे जो रीजन्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं कि वो सुगर बोल के भी हमारे गन्ने के जो कटोरा हम उसको बोल सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो कह, कॉटन uh, का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल के अंदर जूट एंड राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो झारखंड है उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग रीजन्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं सेवेंथ पॉइंट है देर इज़ एन अंडरलाइं कल्चरल यूनिटी विच बैंड पीपल ऑफ इंडिया आवर बुक्स और सेक्रेड रिवर्स आवर टेम्पल्स मॉस्क्योज चर्चेज एंड गुरद्वाराज आर रिस्पेक्टेड एंड admired greatly by एस all तो बच्चों इसके बाद कहता है कि जो हमारा जो कल्चर है वो भी हमें एक दूसरे के साथ जो ना वो जुड़े हुए हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो धार्मिक जो किताबें हैं जैसे कि गीता है उपनिषद है हमारे क़ुरान है तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे क्या है कि ये धार्मिक किताबें हैं जो भी हमें अपने कल्चर को जो है जुड़े रखती है उसके बाद जैसे हमारी रिवर्स हैं जो हमारे टेम्पल्स हैं हमारी मस्जिद है हमारी चर्च है हमारे गुरद्वाराज है इन सबको जो हम रिस्पेक्टेड करते हैं और ये सब चीज़ें जो हमारे लिए काफ़ी ग्रेट जो है हमें ये फील करवाते हैं तो बच्चों इसी के साथ जो है हमारे लेसन कंप्लीट हो जाता है कल आपको जो ना इन सब की इसके जो एक्सरसाइज है इसके जो क्वेश्चन आंसर है इन सब की जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी एंड स्टूडेंट्स लास्ट में आपको फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आप अपने घर रहें सेफ रहें अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखें स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव नाइस डे